स्टूडेंट, वी आर डूइंग आवर चैप्टर 3 हाउ मेनी स्क्वेयर्स, और इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 41 से। ट्राई ट्राइंगल, इसमें देखिए क्या बोला गया है। बोथ द बिग ट्राइंगल इन दिस रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया। अब जो ये रेक्टेंगल के अंदर ये जो दो एरिया बना दो ट्राइंगल्स बने हुए हैं, एक ब्लू वाला और एक रेड वाला, जो ज़मीना है वो कहती है उनके जो एरिया हैं वो सेम है। तो अब सादिक क्या बोलते हैं, बट दिस लुक वेरी डिफरेंट, पर ये जो ट्राइंगल्स हैं वो काफ़ी डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद द ब्लू ट्राइंगल इज़ हाफ ऑफ द बिग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द बिग रेक्टेंगल इज़ 20 square centimeter, सो द एरिया ऑफ द ब्लू ट्राइंगल इज़ -square centimeter। अब क्या बोला जा रहा है, इसमें जो ये ट्राइंगल है ब्लू वाला, जो ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं, ये जो बड़ा रेक्टेंगल है ना, इसका हाफ है ये जो ब्लू वाला एरिया, ब्लू वाला जो ये ट्राइंगल आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, आप देख के साफ पता चल सकता है आपको कि जो ये ट्राइंगल है, ये जो ब्लू वाला ट्राइंगल है, ये बड़े वाले रेक्टेंगल का हाफ है। जो रेक्टेंगल बना हुआ है इसका बिल्कुल हाफ पार्ट है। अगर आप रेड पार्ट ना देखें, आप रेड पार्ट को बिल्कुल मत देखिए, तो आप सिर्फ ब्लू वाला पार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये हाफ़ है। तो अगर हमें रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाए और हम उसको हाफ कर देंगे तो हमें ब्लू ट्राइंगल का एरिया पता चल जाएगा। और रेक्टेंगल का एरिया क्या है, 20 square centimeter, तो ब्लू का ब्लू ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा 10 square centimeter। उसके बाद क्या बोला गया है, देखिए, इन इट देयर आर टू हाफ्स ऑफ टू डिफरेंट रेक्टेंगल। अब ब्लू का जो ये रेड वाला ब्लू का एरिया हमें पता चल गया। अब जब रेड का जो देखना है हमें, रेड ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं इजी तरीके से, आप देख रहे हैं इसमें भी दो रेक्टेंगल हैं। इस ट्राइंगल के थ्रू, इस ट्राइंगल को जो है आप पहले, सबसे पहले टू रेक्टेंगल्स में इस तरीके से डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए टू रेक्टेंगल्स बन गए, और आप देखेंगे कि इस ट्राइंगल की जो ये दोनों लाइन्स हैं ये हर रेक्टेंगल का हाफ है। ये देखिए ये भी इसका हाफ है बिल्कुल, इस वाले रेक्टेंगल का, और ये इस वाले रेक्टेंगल का हाफ है। तो अगर हमें अलग अलग इनके रेक्टेंगल के पहले हम एरिया निकाल लेंगे और उसका फिर हाफ करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। तो देखिए इस वाले, पहले तो हम इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं, इसकी साइड काउंट करते हैं, 1 2 3 4, तो ये है 4 और ये है 1 2 3, यानी कि इसकी लेंथ है, इसकी लेंथ है 4 और ब्रेथ है इसकी 3, तो इसका एरिया कितना हो गया, 4 × 3, 12 square centimeter। और इस ट्राइंगल का, अब 12 square centimeter को आप हाफ कर देंगे तो आ जाएगा 6, यानी कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया हो गया 6। अब इसी तरीके से आप इस वाले रेक्टेंगल में कीजिए, 1 2 3 4, साइड है 4 एक साइड, यानी कि लेंथ, और 1 2, इसकी ब्रेथ हो गई 2, तो ट्राइंगल रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, 2 × 4, 8। अब 8 का हाफ कर देंगे इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए, तो ये आ गया 4, एंड 6 + 4 हो गया अब हमारे पास, क्योंकि अब हमें इस पूरे ट्राइंगल का एरिया बताना है एक साथ, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, 6 + 4, 10। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, 10 square centimeter हमारा रेड वाले ट्राइंगल का एरिया है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, 42 पे। इसमें बोला गया है, हेल्प सादिक इन फाइंडिंग सम मोर सच ट्राइंगल, ड्रॉ एटलीस्ट 5 more। ओके, अब आपको बेटा इस रेक्टेंगल में ही 5 और अलग अलग ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं जिनका एरिया 10 square centimeter आए। जैसे कि देखिए, एक और मैं आपको ड्रॉ करवा करके दिखाती हूँ। अगर आप इस वाले पॉइंट और यहाँ इस वाले पॉइंट को मिला के ट्राइंगल बनाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से, तो भी उसका जो एरिया है वो 10 square centimeter होगा। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिला के एक और ट्राइंगल अगर आप बनाएंगे तो उसका एरिया भी 10 square centimeter होगा। ये आपको कॉपी में 5 अलग अलग वे से इनको ड्रॉ करना है। ओके, नेक्स्ट है, कंप्लीट द शेप। आपको ये देख रहे हैं, सुरुचि ड्रू 2 sides ऑफ ए शेप। ये सुरुचि है और उसने ये 2 sides ड्रॉ की है एक शेप की। शी आस्क आसिफ टू कम्प्लीट द शेप विद 2 more sides। अब उसने आसिफ को बोला है कि तुम और 2 sides ड्रॉ करो और इस शेप को कम्प्लीट करो, सो दैट इट्स एरिया इज़ 10 square centimeter। तो आप
इस तरीके से कंप्लीट करो इस शेप को कि जो उसका एरिया है, जो पूरी शेप बने उसका एरिया 10 square centimeter हो। ही कंप्लीटेड द शेप लाइक दिस, तो आसिफ ने इस तरीके से ये शेप कंप्लीट कर दी। ठीक है, अब देखिए बोला गया है, ओ दैट्स ईजी, इफ़ यू लुक एट द ग्रीन एरिया इट इज़ 4 square centimeter। ठीक है, ये ग्रीन एरिया जो है ना, ग्रीन ट्राइंगल जो आप देख रहे हैं, ग्रीन पार्ट, इसका जो एरिया है वो है 4 square centimeter, ऐसा आसिफ बोल रहे हैं। ब्लू बिलो इट इज़ द येलो एरिया ऑफ 6 square centimeter, इसके नीचे जो येलो एरिया आप देख रहे हैं इसका जो एरिया है वो 6 square centimeter है। सो द एरिया ऑफ माई शेप इज़ 10 square centimeter। तो इस तरीके से ये 6 और ये 4 मिलके बन गया मेरे शेप का एरिया 10 square centimeter। इज इट करेक्ट, क्या आसिफ सही कह रहे हैं? आसिफ ने जो किया वो सही किया। एक्सप्लेन हाउ द ग्रीन एरिया इज़ 4 square centimeter एंड द येलो एरिया इज़ 6 square centimeter। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि आसिफ ने बिल्कुल सही कहा है, कैसे, ये देखिए आसिफ ने बोला जो ग्रीन वाला एरिया है उसका जो एरिया है उसका 4 square centimeter है। 4 square centimeter अब आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे आप देखेंगे जो ये ट्राइंगल है ना, ये 2 square का हाफ है। ये देखिए 1 square ये बन गया हमारा, ठीक है, 1 square हमारा ये बन गया और इसका ये हाफ है, यानी कि इस वाले स्क्वायर का हाफ और इस वाले स्क्वायर का हाफ मिलके ट्राइंगल बन रहे हैं। तो पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों स्क्वायर भी सेम है। तो 1 2 ये होगी 2 side और 1 2 यानी कि लेंथ और ब्रेथ हो दोनों हो गई 2, क्योंकि ये स्क्वायर है साइड इक्वल होंगी। तो इसका एरिया हो गया 4 square centimeter। अब 4 square centimeter को हाफ़ कर दीजिए क्योंकि हमें इसका, क्योंकि ये पूरा एरिया आया है 4 square, लेकिन हमें सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट चाहिए। तो ग्रीन वाले का हो गया 2 square centimeter। इसी तरीके से इसका भी पूरे का एरिया 4 square centimeter आएगा, पर आपको ग्रीन का निकालना, और ग्रीन का आएगा 2 square centimeter। तो अब हमें इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो 2 plus 2 हो गया 4, यानी कि ग्रीन वाले का पार्ट, ग्रीन पार्ट का हमारा एरिया होगा 4 square centimeter। ये बिल्कुल करेक्ट आ गया। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे येलो वाला पार्ट, जो येलो वाला एरिया, येलो वाला ट्राइंगल है वो एक, ये देखिए इस रेक्टेंगल का हाफ है। ये देखिए ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसका हाफ है बिल्कुल हमारा येलो वाला एरिया, येलो वाला ट्राइंगल। तो पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं, जो ये ग्रीन वाला हमने रेक्टेंगल ड्रॉ किया है। तो साइड देख लेते हैं पहले इसकी, 1 2 3 4, तो ये लेंथ हो गई इसकी 4 और विड्थ कितनी होगी इसकी 1 2 3 3। तो एरिया निकल जाएगा आपका 4 × 3 = 12। अब 12 square centimeter इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ गया, लेकिन हमें हाफ करना है, हमें हाफ चाहिए, देखिए बिल्कुल हाफ, यानी कि 12 को हाफ कर देंगे तो ये आ गया 6 square centimeter। तो बिल्कुल जो सादिक है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे देखिए क्या बोला गया है। ओ अब सुरुचि ने कैसे, देखिए सुरुचि ने 2 lines ड्रॉ की थी और सादिफ को 2 lines और ड्रॉ करने को कहा था और ऐसी शेप बनाने को कहा था जिसे 10 square centimeter का एरिया बने। पर सुरुचि ने जो शेप सोची थी वो सादिक की शेप से अलग है। सुरुचि ने कुछ ऐसी शेप सोची थी, ठीक है, सुरुचि ने कुछ ऐसी शेप सोची थी। अब क्या बोल रहे हैं, सुरुचि के अकॉर्डिंग जो ये शेप है इसका एरिया भी 10 square centimeter है। इस सुरुचि करेक्ट, हाउ मच इज़ द ब्लू एरिया, एक्सप्लेन। अब आपको बताना है, अब आप खुद ट्राई करेंगे इसको, जैसे मैंने पीछे आपको बताया। आपको सबसे पहले तो ये बताना है कि क्या सुरुचि बिल्कुल सही कह रही है, क्या इस शेप का जो एरिया है वो 10 square centimeter है, और कैसे है, ब्लू एरिया कितना है, ठीक है, ब्लू एरिया कितना है, और आपको ये बताना है। अब मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे देती हूँ इसमें, देखिए आप देख रहे हैं जो ब्लू एरिया है ये भी 2 rectangle से मिलके बना है, जैसे कि एक देखिए ये वाला रेक्टेंगल और एक ये वाला रेक्टेंगल, और ट्राइंगल जो है ये इसका हर दोनों पार्ट, इसके जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, उस रेक्टेंगल का हाफ है। ओके नेक्स्ट, अब आप नेक्स्ट है इसमें देखिए, प्रैक्टिस टाइम, दिस इज़ वन ऑफ द साइड ऑफ ए शेप। अब ये देख रहे हैं ये एक शेप की एक साइड ड्रॉ की गई है,
कंप्लीट द शेप सो दैट इट्स एरिया इज 4 square centimeter. अब आपको इस शेप को कंप्लीट करना है इस तरीके से कि जो एरिया बने, जो शेप बने, उसका जो एरिया है वो 4 square centimeter आए. ठीक है, ये अब आप खुद से करेंगे. सेकेंड देखिए, टू साइड्स ऑफ ए शेप आर ड्रॉन हियर. अब एक शेप की टू साइड्स यहाँ पे ड्रॉ की गई हैं. कंप्लीट द शेप बाय ड्रॉइंग टू मोर साइड्स सो दैट इट्स एरिया इज लेस देन 2 square centimeter. अब दो लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ है, ठीक है, अब आपको टू लाइंस और इस तरीके से ड्रॉ करनी है कि जो शेप बने उसका एरिया कम हो 2 square centimeter से, लेस देन 2 square centimeter, यानी कि 2 square centimeter से भी कम उसका एरिया है. ठीक है, नेक्स्ट है पेज नंबर 44 पे. हेयर इज ए रेक्टेंगल ऑफ एरिया 20 square centimeter. तो ये 20 square centimeter का एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया है ये. ये टू हम ऑलरेडी कर चुके हैं, देखिएगा. ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्राइंगल्स. व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल. तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है. ए और बी वाला पार्ट हम कर चुके हैं, आप सी वाला पार्ट करेंगे. सी वाले पार्ट में देखिए क्या करना है. ड्रॉ टू स्ट्रेट लाइन्स इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इंटू वन रेक्टेंगल. ध्यान से, वन रेक्टेंगल एंड टू इक्वल ट्राइंगल. अब आपको इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके, एक लाइन नहीं एक्चुअली टू स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से इस रेक्टेंगल को बनाना है कि एक तो रेक्टेंगल मिले आपको और टू इक्वल ट्राइंगल्स मिले. ठीक है, टू इक्वल ट्राइंगल मिले आपको और एक रेक्टेंगल मिले आपको, ऐसा एक शेप बनानी है. और उसके लिए आपको सिर्फ टू स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करनी है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. उसके बाद आपको फिर ये सी के ही क्वेश्चन है, सी पार्ट के. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल. उसके बाद आपको रेक्टेंगल का एरिया बनाना है, बताना है. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्राइंगल. और जो ट्राइंगल बने हैं दोनों, उनमें से हर एक ट्राइंगल का क्या एरिया है. ट्राइंगल इक्वल होंगे तो सेम ही उसका एरिया होगा. पजल विद 5 squares. मेजर द साइड ऑफ ए स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर ऑन पेज 45. मेक एज मैनी शेप्स एज पॉसिबल यूजिंग 5 such squares. 3 are drawn for you. अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 45 पे देखिए. यहाँ पे बेटा आपको 5 squares को, जो ये 5 squares हैं उनको ड्रॉ करके शेप बनानी है. जैसे कि आप देख रहे हैं जो ब्लू शेप्स हैं, इनमें 5 squares हैं. 1, 2, 3 विड्थ. ओके, 1, 2, 3, 4, 5. तो हर शेप में 5 squares होने चाहिए. जैसे कि देखिए, हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ. ये देखिए, एक हम इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. वेट, ये देखिए 1, 2, 3, 4 and 5. ये पांचों स्क्वायर हम लेके इस तरीके से भी एक स्क्वायर देखिए ये ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, इसमें 5 squares आ गए. आप इनको अलग अलग कलर से करेंगे. ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप अलग अलग कलरों का यूज़ करें, मतलब एक कलर के बाद दूसरा अलग कलर हो. ठीक है, उससे आप ये शेप बनाएंगे, जितनी पॉसिबल शेप्स होंगी आप बनाएंगे. ओके, अब देखिए इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है. हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ. आपने कितनी डिफरेंट शेप्स ड्रॉ की हैं वो आप यहाँ पे लिखेंगे. विच शेप हैज़ अ लॉन्गेस्ट पैरीमीटर. और किस शेप का जो पैरीमीटर है, एरिया तो सबका सेम होगा बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात. एरिया सबका सेम होगा क्योंकि सब में 5 square हैं. ठीक है, तो 5 square शेप अलग अलग हो सकती है, लेकिन 5 square को रखने के लिए जगह तो उतनी ही चाहिए होगी. ठीक है, चाहे वो किसी भी शेप में रखे जाए. तो एरिया तो सेम होगा लेकिन जो पैरीमीटर है वो डिफरेंट होगा. तो आपको बताना है कि विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पैरीमीटर. तो किस शेप का जो पैरीमीटर है वो सबसे लंबा है, हाउ मच, और कितना सेंटीमीटर है वो. उसके बाद विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पैरीमीटर. और किसका जो, कौन सी शेप का जो पैरीमीटर वो सबसे कम है और कितना है वो भी आपको यहाँ पे लिखना है. कितने सेंटीमीटर हैं वो भी आप लिखेंगे. व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप्स. ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप्स. डैश स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट सिंपल. अब जो ये शेप बनेगी, जो पूरी शेप जो ये बनेगी आप बनाएंगे, उसका एरिया, एक्चुअली पूरी शेप नहीं, ये पूछ रहे हैं कि ये जो शेप है ना, ये देखिए ये जो शेप बनी हुई है, इसका एरिया आपको बताना है कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा. ओके, ये आपका बेटा वर्क है, गुड लक.